कि मैं एक बंगाली चैनल भी स्टार्ट करने वाला तक बैंड रिलीज करने वाला हूँ। एक मुस्कान मिला क्योंकि भाई आज मैं गांव वाला स्टाइल में एक्सप्रेस ट्रेन में भाई ऐसे दौड़ के भाई, एंड मेरे बैक में अभी कुछ इस तरह का ग्राउंड है। हेलो गाइस, यार कैसे हो आप सब? होप सब तुम लोग बढ़िया हो। तो और एक नया वीडियो लेके अपन हाजिर है। तुम लोग लास्ट ब्लॉग में देखा था, बहुत दिनों से अपन ब्लॉग भी नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सर्दी जुकाम हो गया था। अपन का जो फोन है ना ये बहुत दूर है, तो इसके लिए तुम लोगों को ठीक ठाक से आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है वो मुझे भी पता नहीं। चल मैं गाइस, ये जो लोकेशन है ये पूरा एक ग्राउंड टाइप का लोकेशन, तुम लोग देख ही पड़े होंगे भाई कितना मस्त वाला धूप रखा है। के लिए भाई इस वाले लोकेशन पे अपन को ब्लॉग को कर रहे हैं आज का स्टार्ट। अभी अपन आ चुके कुछ इस तरह का लोकेशन गाइस। यार वहाँ पर अपन गए हुए था सामसी का एक 420 मोड़ का जाता है, बंगाली में कहा जाता है एक्चुअल में। वहाँ पर थोड़ा बहुत एक रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट का नाम है भाई JMD। थोड़ा बहुत खाना वाना भी खाया, दोपहर का टाइम था। और क्या तुम लोग भी वो वाला एक सिनेमेटिक की तरह एंजॉय कर लो। साथ भाई एक रोटी वगैरह, रोटी एंड कुछ चिकन वगैरह आइटम था, तो इसके लिए भाई थोड़ा बहुत ऑर्डर किया। तुम लोगों के लिए भाई अपन एक मतलब मस्त वाला एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इस वाले लोकेशन पे आने का कुछ एक रीजन तो होगा, पर एक रीजन होगा क्योंकि भाई एक रीजन नहीं तो दो रीजन होगा, नहीं तो तीन रीजन होगा क्योंकि इस वाले लोकेशन पे अपन ज्यादातर आता भी नहीं है। तो बट कोई नहीं भाई, मतलब खास वाले लोकेशन पे आए हुए हैं अभी। ये वाला जो चैनल है अपन का, ये अपन थोड़ा बहुत ही वीडियो डालने वाला है इस वाले चैनल पे। एंड मैं अभी तुम लोगों को बता दूं कि मैं हूँ भाई एक बंगाली घर का, बंगाली घर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बंगाली लड़का हूँ। तो इसके लिए भाई तुम लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक बंगाली चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी चैनल भी चलेगा, क्योंकि भाई एंड जितने भी मेरा भाई बंधु है वो आ सकते हैं उस वाले चैनल में, मतलब ये चैनल से सीधा जा सकते हैं भाई उस वाले चैनल पे। ये तुम लोगों के लिए था, मेरा जो भाई बंधु है एंड मेरा जो मतलब दिल के करीब है वो उस वाले चैनल पे आ सकते हैं। लोगों को बता दूंगा मैं कब तक भाई ये चैनल जो है तो कब तक मैं रिलीज करने वाला हूँ वो भी तुम लोगों को बता दूंगा। साइड बाय डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर मैं चैनल ओपन किया तब, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई अभी अपन कुछ टाइम में फंसा हुआ है, मतलब कुछ रीजन में फंसा हुआ है, तो इसके लिए अपन अभी नहीं कर रहे हैं। आता नहीं हूँ इस वाले लोकेशन पे क्योंकि इस वाले लोकेशन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि रात के टाइम में ये वाला लोकेशन पे तुम आओगे ना तब तुम्हें भाई गोश्त ही गोश्त देखने को मिलेगा। ऐसा भाई मैं बातें से बोल दिया भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि भाई इस वाले लोकेशन एक मस्त एंड तगड़ा वाला सीन है, तो गोश्त वोश्त आने का कुछ रीज़न तो है नहीं। ये जो चैनल में अभी वीडियो चल रहा है ना, तो एक साल से मेरा एक वीडियो ही वायरल गया था। सो गाइस यार उस वाले मतलब मेरे घर के करीब वहाँ पर एक पार्क टाइप का था, तो मुझे भी पता नहीं भाई उस वाले वीडियो पे इतना अच्छा खासा रिस्पांस आएगा। ये अपन है कि जो बंगाली चैनल रिलीज करने वाले हैं, जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया, तो बंगाली चैनल भी रिलीज करेगा बहुत जल्द। उसी में 8:30 में अपन एंटर किया, जब पर प्लेटफॉर्म पे उतरा अपन, भाई एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है। मतलब वो एक रनिंग एक्सप्रेस था, मतलब एक हावड़ा कटिहार कहा जाता है, तो उस वाले ट्रेन पे भाई एक मतलब क्या बोलते हैं भाई, एक बड़े उम्र के लोग वहाँ पर उठ रहा था, ठीक है ना, रनिंग में सीधा भाई ट्रेन चल रहा था के लिए भाई उसका जो फोन था वो प्रॉपर गिर गया था। तो अंकल के उम्र के एक लोग था, तो उस वाले जब भाई फोन उसको मिल गया तब उसको भाई मुंह पे एक मुस्कान मिला क्योंकि भाई एक मतलब क्या बोलते हैं भाई, एक एक्सप्रेस ट्रेन में भाई ऐसे दौड़ के भाई कभी उठना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैं तुम्हें बता दूँ ये ना एक जान के झुकी में जल्द से जल्द पहुंचा देगा, बट क्या है ना कि भाई 2-3 मिनट भी रुक भी जाओगे ना तब ऐसा रिक्स लेके भाई कभी ट्रेन में मत चढ़ा करो। कि सो गाइस यार अपन उस दिन भाई बाद में गए हुए था मालरा का, जो कि बाद कहा जाता है, तो कुछ बज रहा था भाई 8 बज रहा था ओके से एक 8 में गांव वाला स्टाइल में थोड़ा बहुत मतलब कॉर्न वगैरह खाया वहाँ पर। यार देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पर कितना धूप गिर रहा है, तो एंड मेरे बैक में अभी कुछ इस तरह का ग्राउंड है, तो ये वाला जो ग्राउंड है ये तुम लोगों को भाई एक प्रॉपर एक सिनेमेटिक एक एंजॉय कर लो।
देख लो इस लोकेशन कुछ इस तरह का है। तो आज का वीडियो गाइज इधर ही एंड कर दे रहे हैं। आई होप कि गाइज ये वाला वीडियो देखे तुम लोगों को कुछ भी अच्छा लग रहा होगा एंड थोड़ा बहुत कुछ भी खास नहीं अपन दिखा पाया तुम लोगों को इस वाले लोकेशन, तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को लोकेशन भी सिनेमेटिक की तरह दिखाने की कोशिश किया। आई होप कि गाइज तुम लोग ये वाला वीडियो देखे तुम लोग कुछ भी मजा आया होगा, अच्छा लगता है एक लाइक करके जरूर से जाना भाई तुम्हारे भाई के लिए। मिलते हैं अच्छा तगड़ा वाला वीडियो के साथ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।